हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल. वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट. एंड टुडे इज 18th जून. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 18th जून, अलोंग विथ वी आर गोइंग टू डिस्कस बैंकिंग अवेयरनेस. बैंकिंग अवेयरनेस, इन बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस FDI. इन प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज FDI एंड टाइप्स ऑफ FDI. And today we are going to end this chapter of FDI, and we will discuss remaining types of FDI. And before we start our session, please do like, share and subscribe the session. Friends, share कर दीजिए session को, और साथ के साथ जो पहली बार session से जुड़ा है वो session को like करना और subscribe करना ना भूलें. तो शुरू करते हैं हमारा आज का session. हमारा पहला question है, India is going to construct sanitation facilities at Pashupatinath temple in which country? India recently Pashupatinath temple है, उसकी जो construction sanitation construction facility build करने जा रही है, ये किस country में situated है Pashupatinath temple? और ये temple है नेपाल का. और answer is option B, नेपाल में है Pashupatinath temple. और इंडिया हैज़ प्लेस्ड टू कंस्ट्रक्ट ₹2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी एट द आइकॉनिक पशुपतिनाथ टेम्पल. तो स्टैटिक से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि पशुपतिनाथ टेम्पल किस कंट्री में है, क्योंकि अब इंडिया जब कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहा है सैनिटेशन, तो ये और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाता है स्टैटिक. तो ये है पशुपतिनाथ टेम्पल, आपको दिख रहा होगा. और 2.33 करोड़ इस पे जो है आउटले रखा गया है इसका, इस पे खर्च किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे. तो आई होप क्लियर होगा. और नेपाल है, आइए हम देख लेते हैं नेपाल के फैक्ट्स. नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीस, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी. पीएम ऑफ नेपाल इज केपी शर्मा ओली. केपी शर्मा ओली है नेपाल के प्रेसिडेंट. और नेपाल की जो हमारे वर्ल्ड मैप में सिचुएशन है इंडिया के रेस्पेक्ट में, इंडिया की इस यहाँ से जो बॉर्डर है ईस्ट साइड से, यहाँ से टच करता है नेपाल नॉर्थ ईस्ट साइड में. ये आपको छोटा सा जो एरिया दिख रहा है ये नेपाल है, और इंडिया से यहाँ की बॉर्डर यहाँ से टच होती है. और रिसेंटली इंडिया नेपाल के बॉर्डर इश्यूज़ भी चल रहे हैं, इसके बावजूद भी इंडिया नेपाल में कंस्ट्रक्शन करवा रहा है. तो हमारा देश, हमारा भारत महान है. नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज इनॉग्रेटेड कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन रांची वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमिड COVID-19. उन मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने ये कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन रांची वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए एक कंपोजिट रीजनल सेंटर अभी इनोग्रेट करा है, जिससे कि इनको यहाँ पे मेडिसिन केयर और भी एड्स दी जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी. और ये अभी थावरचंद गहलोत जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, कल हमने बात करी थी पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ओपन करा गया था दिव्यांगजन के लिए, वो भी ओपन करा गया था, वो भी इनोग्रेट करा गया था. थावरचंद गहलोत जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, और रांची में भी रिसेंटली इनोग्रेट करा गया थावरचंद गहलोत के द्वारा. हरदीप सिंह पुरी जो हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं. मनसुख एल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग हैं. और साथ ही रिसेंट में इन्होंने गोवा में फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी इनोग्रेट करी थी, गोवा की मांडोवी रिवर में फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी इनोग्रेट करी थी. और अमित शाह हैं होम मिनिस्टर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑन रेमिटेंसेस इज ऑब्जर्व डैश एवरी ईयर. कौन से दिन पर इंटरनेशनल रेमिटेंस डे ऑब्जर्व करा जाता है हर साल? इंडिया के जो जितने भी इंडिया में रेमिटेंस आता है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला कंट्री है, और रेमिटेंस डे ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर 16th of June को. और ये ऑब्जर्व करा जाता है जो कि वर्कफोर्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंट्री में रेमिटेंस को गार्नर करने में, प्रोवाइड कराने में, उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, उनको
ट्रिब्यूट देने के लिए 16 जून को ऑब्जर्व करा जाता है रेमिटेंस डे, और इस ईयर की 2020 की थीम है रेमिटेंसेस आर अ लाइफलाइन, रेमिटेंसेस आर अ लाइफलाइन इस ईयर की थीम है। 14 जून को ऑब्जर्व करा जाता है ब्लड डोनर डे, और 15 जून को ऑब्जर्व करा जाता है, हमने कल देखा था, विंड डे, वर्ल्ड विंड डे, और एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करा जाता है 15 जून को, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, एज पर द इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय अंक डॉट इंडिया इज वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ FDI एट $51 बिलियन इन 2019। अंक टाट के द्वारा जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल बनती है, इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज करी गई, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसमें कि 51 बिलियन का FDI प्राप्त करा गया था इंडिया के द्वारा 2019 में। तो ये कौन से स्थान पर है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है नाइन्थ रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 विच कंट्री इज लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ FDI इन 2019 विद $251 बिलियन $251 बिलियन का FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ 2019 में लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ FDI कौन सा कंट्री बन गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जो कि रिलीज करी गई है अंकटाट के द्वारा, और ये है USA। USA ने टॉप करा है इस इंडेक्स को, और सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 में USA में हुए हैं। हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। अंकटाट का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और उसका फुल फॉर्म बताएं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मुकीशा कितुई जो हैं हेड हैं अंकटाट की, फाउंडर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अंकटाट की, जिसके द्वारा फाउंडेशन रखी गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और ये इसका फाउंडेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। आई होप आपको क्लियर होगा, क्लियर है तो यस टाइप करिए, और साथ ही फ्रेंड्स अभी तक भी आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। नेम द कंट्री विच हैज स्टॉप्ड द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा, जो कि जिसका फुल फॉर्म बनता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इनके द्वारा हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 रिलीज करा गया, और ये इंडेक्स किस कंट्री के द्वारा टॉप करा गया, और ये टॉप करा गया है सिंगापुर के द्वारा टॉप करा गया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और देख लेते हैं हम बाकी, डेनमार्क है जो डेनमार्क सेकंड प्लेस पर आया है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है डॉलर। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है क्रोन। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है फ्रैंक। और साथ ही हम देख लेते हैं इंडिया की क्या रैंक रही, इंडिया टू रिमेन रैंक डैश ऑन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। इंडिया की IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा रैंक रहा है, और इंडिया उसी सेम प्लेस पर जिस पे लास्ट ईयर था 43rd ही इंडिया का रैंक रहा है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, और 63rd जो इंडिया की रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिसे टॉप करा था न्यूजीलैंड ने 102 रैंक है इंडिया की हंगर इंडेक्स में, और 77th है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में है इंडिया की रैंक, और 43rd हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। हम देख लेते हैं फैक्ट्स, ये हैं आर्चियो बोरिस जो कि प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस और डायरेक्टर ऑफ IMD हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, ये डायरेक्टर हैं, और इन्हीं के द्वारा ही आप देखेंगे इसकी वेबसाइट पर जाकर ये ही सबकी रैंक डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये मैंने वहीं से पिक किया है, और ये है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट 2020 रिपोर्ट का।
हम देख लेते हैं फैक्ट्स। IMD's 2020 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग रिवील्ड शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल इकोनॉमीज। द एनुअल रैंकिंग 32nd एडिशन, इसकी 32 ईयर्स हो चुके हैं और ये 32nd एडिशन है, हैज़ अनलॉक्ड अ वेल्थ ऑफ डेटा ऑन परफॉर्मेंस ऑफ 63rd इकोनॉमीज, 63rd कंट्रीज के बीच ये जो है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज करा गया अक्रॉस द ग्लोब। सिंगापुर इज द नंबर वन फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। सिंगापुर लगातार दूसरे साल कंजिक्यूटिवली सेकेंड ईयर भी फर्स्ट टॉप करा है सिंगापुर ने। इन सेकेंड टू फिफ्थ प्लेस आर डेनमार्क, सेकेंड से लेकर फर्स्ट सिंगापुर है, डेनमार्क सेकेंड, स्विट्जरलैंड थर्ड, नीदरलैंड्स फोर्थ और हांगकॉन्ग फिफ्थ है। सेकेंड टू फिफ्थ प्लेस आर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स एंड हांगकॉन्ग। इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन रैंक्ड 43rd ऑन एन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, इंडिया हैज रैंक्ड 6th ऑन सिप्री ईयरबुक 2020 आर्मामेंट डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच नेशन रैंक्ड फर्स्ट। आप ये देख रहे हैं एक साथ तीन इंडेक्स रिलीज करे गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि रिपोर्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज करी गई। जैसा कि हमने देखा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस IMD के द्वारा रिलीज करी गई थी और जो सिप्री के द्वारा भी रिलीज करी जाती है और सिप्री के द्वारा रिलीज करी गई है सिप्री ईयर बुक 2020 आर्मामेंट्स, और जिसमें कि इंडिया की रैंक है 6th, तो कौन सी नेशन ने फर्स्ट रैंक है, तो US जो है आर्मामेंट डिसआर्मामेंट अकॉर्डिंग टू सिप्री के अकॉर्डिंग ये रैंक है US की फर्स्ट। और सिप्री जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन स्टॉकहोम में। आई होप आपको क्लियर होगा इंडिया की रैंक, याद रखिएगा, और टॉप करा है इसे US ने। नेक्स्ट, नेम द चेयरमैन ऑफ CBIC हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ऑल CGST अक्रॉस इंडिया। CBICA जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उनके द्वारा लॉन्च करा गया रिसेंटली ई ऑफिस एप्लीकेशन फॉर CGST। CGST का फुल फॉर्म क्या, सेंटर के लिए जो GST इम्पोज करा जाता है, लिया जाता है GST, वो सेंटर में से CGST बोला जाता है। स्टेट के लिए SGST बोला जाता है, SGST। तो ये एम अजीत कुमार हैं CBIC के चेयरमैन, PC मोदी हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, संजय कोठारी हैं CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और पराग राजा को रिसेंटली अपॉइंट करा गया है भारतीय एक्सा के द्वारा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, पराग राजा को उनके द्वारा अपॉइंट करा गया है। अगर हम जैसे CGST की कैसे ये एंट्रीज करी जाती हैं अकाउंट में, अगर हम परचेस करते, सपोज हमने परचेस करी मशीनरी, तो इसकी एंट्री की जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर करेंगे इनपुट CGST, अगर दोनों सेंटर का भी GST लगता है और स्टेट का भी लगता है, इनपुट CGST और फिर इनपुट SGST ऐसे करेंगे। और अगर हम सेल करते हैं, सेल अकाउंट होता है, तो हम करेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर इनपुट करा था जब हमने परचेज करा था, अब हम करेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और टू, और इसके साथ ही करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आपको क्लियर होगा, आई हो। नेक्स्ट, मुखा मिदा खिलाई अभी गा जिलेव, नाम बड़ा ही टिपिकल है, मुखा मिदा खिलाई अभी के जिलेव हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इनके द्वारा हाल ही में रिजाइन करा गया और ये प्राइम मिनिस्टर किसके थे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी के वजह से इन्होंने रिज़ाइन करा है। और ये प्राइम मिनिस्टर हैं किर्गिस्तान के, और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम,
करेंसी है सोम। नेक्स्ट, 500 ईयर ओल्ड टेम्पल हैज़ बीन फाउंड सबमर्ज्ड इन महानदी रिवर, इट इज इन विच स्टेट? रिसेंटली महानदी में 500 ईयर पुराना टेम्पल फाउंड किया गया है, मिला है, तो ये सबमर्ज्ड था जो कि रिसेंटली। तो महानदी कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? और ये है ओडिशा में, और महानदी पर हीराकुड डैम बिल्ट है, और ये ओडिशा में सिचुएटेड है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और इसकी रिसेंट में मो कॉलेज मो परिवार मो सरकार अमागरे एलईडी सुनेत्र कालिया पीछा, ये सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। और पर्सन टू एथिकल ट्रीटमेंट विद एनिमल का अवार्ड दिया गया नवीन पटनायक को, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और उड़ीसा ही फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसके कि हॉस्टल्स हैं जो ट्राइबल्स के लिए, उन्हें ISO सर्टिफिकेट मिला है। कंट्री का फर्स्ट स्टेट बना है उड़ीसा जिसके हॉस्टल्स हैं ट्राइबल्स के लिए, उसे ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। नेम द स्टेट विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कर्मभूमि, अ जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स। जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प करने के लिए कर्मभूमि किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? और ये लॉन्च करा गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्च करा गया है कर्मभूमि। साथ के साथ रिसेंटली इनके द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, कन्याश्री, प्रोचेस्टा, स्नेहर पोरोश, बंगश्री, मातृ स्मृष्टि, ये सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं वेस्ट बंगाल के द्वारा। और हम देख लेते हैं आज वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स। कैपिटल है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है वेस्ट बंगाल के जगदीप धनकर। डिस्ट्रिक्ट हैं 23, लोकसभा सीट हैं 42 एंड राज्यसभा सीट्स हैं 16। बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा गया था। फेस्टिवल से भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। बक्सा फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा गया था वेस्ट बंगाल स्टेट में। और संधान ऐप, आप कोविड-19 के लिए जितने भी ऐप लॉन्च करे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट बनते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं। तो इसी के साथ हम एक दो ऐप स्टेट के साथ डिस्कस करेंगे तो हमारे क्लियर होती जाएंगी ये ऐप्स भी। तो संधान और एग्जिट ऐप लॉन्च करा गया था। एग्जिट ऐप लॉन्च करा गया था माइग्रेंट वर्कर के लिए, और ये दोनों ऐप्स लॉन्च करे गए हैं वेस्ट बंगाल के द्वारा। और रीसेंट न्यूज़ में जो था अम्फन, जो साइक्लोन था जिसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों को हिट करा था, और कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए ये हमने यस्टरडे या फिर उससे पहले के सेशन में ही डिस्कस करा है। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, प्रोवाइड कराया वेस्ट बंगाल को 1,950 करोड़ का लोन टू कम्बैट कोविड-19। नेशनल पार्क देख लेते हैं, गुरुमारा नेशनल पार्क, बगजा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में हैं। और साथ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चपरा मारी, बेतुतारी, सांचल और रमना बगान। चपरा मारी, बेतुदारी, संचल और रमना बगान, गोरू मारा, बक्सा, न्योरावैली, सिंगलीला, जल्दापारा, सुंदरबन, ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स हैं। और दाली, जत्रा, गंभीरा, और ये सारी की सारी दाली, जत्रा, गंभीरा, ये सारी की सारी डांस फॉर्म्स हैं वेस्ट बंगाल की। और कोलकाता जो हुगली रिवर है उसमें फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। और चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट म्यूजियम भी वेस्ट बंगाल में। और कोलकाता में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड बैंक का, अलाहाबाद बैंक का और बंधन बैंक का। नेक्स्ट, ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन। हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं FDI क्या होता है, FDI के टाइप्स में हमने डिस्कस करा था हॉरिजॉन्टल FDI, वर्टिकल FDI
और हमने डिस्कस करा था कॉन्ग्लोमीरेट FDI, उसके साथ ही साथ हमने डिस्कस करा था ग्रीन फील्ड FDI और ब्राउन फील्ड FDI। और आज हम इसी FDI को कंटिन्यू करेंगे और इसके अलग दूसरे टाइप्स हम देखेंगे, दूसरे टाइप्स जो हैं कि रूट पे बेसिस बेस्ड टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी ये FDI के प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आपको आगे का बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, तो आप प्रीवियस सेशंस में जाके देखिए, मैंने आई बटन में उनके लिंक्स दे रखे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा पहले FDI क्या होता है, FDI के टाइप्स प्रीवियस, और उसके बाद आप इसे भी देखिएगा, तब आपको पूरा FDI का चैप्टर समझ में आएगा। तो FDI आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और रूट पे बेस्ड होता है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट, अंडर दिस रूट इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स आर लेस रिस्ट्रिक्टेड, FDI norms are more liberalized here. The overseas investor or the Indian company does not require a prior approval from the RBI or government for investment into the country. Automatic route में क्या होता है कि अगर कोई foreign investor है इसको भी कोई ज़रूरत नहीं होती है government से अप्रूवल लेने की, और ये रिस्ट्रिक्टेड कम नहीं होती, इसमें रिस्ट्रिक्शन लेस होते हैं, कम होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, और ये थोड़ा लिबरल होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट इजी रहता है। अगर एक कंपनी में, ये इंडिया की कंपनी है, और अगर कोई सपोज सिंगापुर की कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो इससे RBI से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई अप्रूवल लेने की नीड नहीं है, आप यहाँ इसमें इन्वेस्ट डायरेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ये लेस रिस्ट्रिक्टेड और लिबरल होता है। और हम देख लेते हैं अप्रूवल की ज़रूरत होती है, नेक्स्ट टाइप अप्रूवल रूट। इस रूट के अंडर क्या होता है, द अप्रूवल रूट इज़ अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड, द फॉरेन इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी हैज़ टू टेक अ प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम दी RBI और दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। जब कोई कंपनी अदर कंट्री की कंपनी या फिर इंडिया की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है इस अप्रूवल रूट के अंडर, तो इन्हें, ये एक कंपनी है फॉरेन और ये इंडिया की कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसे RBI से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जब अप्रूवल का रूट आ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रूवल रूट के लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और RBI का, और जिसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है आप उसमें बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के लिबरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर हैं इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि जब हमको इंडिजीनियसली नेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं मिलते, तब उस कंपनी को फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है FDI। और इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप प्रीवियस सेशंस जरूर देखिएगा, आपको ज़रूर समझना है। इसको समझने से पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल FDI, कॉन्ग्लोमीरेट FDI और साथ के साथ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, FDI हेल्प्स क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब FDI के आप देख लीजिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि ये एक क्रिटिकल ड्राइवर होता है इकोनॉमी का, इससे ग्रोथ बढ़ती है, और FDI मोर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, टेक्नोलॉजीज, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। और लास्ट सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसकी स्कीम कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है, और वो लॉन्च करी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना स्टेट के द्वारा, हैदराबाद के द्वारा स्कीम लॉन्च करी गई थी, और वो लॉन्च करी गई थी विमेंस को एड करने के लिए, जो कि जिनके साथ की कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि घर अभी COVID-19 की वजह से घरेलू हिंसा थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसी की वजह से स्त्री स्कीम
लॉन्च करी गई थी, शीट्रूम थ्रू रेस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट उसकी फुल फॉर्म थी। और आज का आपका क्वेश्चन है, आप टाइप करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप ऑफ एफडीआई। तो आई होप आप सभी को ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपको एफडीआई के सारे टाइप्स क्लियर होंगे। और इसी के साथ ही हमारा आज का एफडीआई का चैप्टर कंप्लीट होता है, एफडीआई का चैप्टर कंप्लीट होता है और आप जरूर से टाइप करिएगा। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe.